कि हिंदुओं जागरूक हो जाए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किसी काटना पड़े तो काटो, और देश का प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर बैठ करके एक धर्म के पुजारी की तरह वेशभूषा पहन करके बैठा हुआ है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जामिया बर्बाद किया, जेएनयू बर्बाद किया, ये वही लोग हैं जिनकी डिग्री फेक है, ये वही लोग हैं जो शिक्षा का बजट कम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो अर्थव्यवस्था चौपट कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, उन्होंने एक एक करके सारी चीज देश की बेच दी है। रोटी कपड़ा मकान के साथ शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार ये राज्य की जिम्मेदारी। इस देश में सरकारी अस्पतालों को बर्बाद करने के लिए का कभी कोई फरमान आया क्या? शिक्षा बिक जाएगी, अंबानी अडानी के हाथों का एक व्यापार बन जाएगी। नई शिक्षा नीति ने पेट ही नहीं दिमाग पर हमला कर दिया है और आने वाली पीढ़ियां आपकी गूंगी बहरी वैचारिक रूप से। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था और किसान बिल आया था तो किसानों का तर्क था कि इस बिल के जरिए सरकार रोटी को उद्योगपतियों के तिजोरी में बंद करना चाहती है। नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, इस पॉलिसी के जरिए भी एक दावा किया जा रहा है शिक्षकों का कि सरकार इसके जरिए शिक्षा को उद्योगपति के तिजोरी में कैद करने की कोशिश कर रही है। क्या ये दावा सही है? हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक, और आप लोग इनको जानते पहचानते हैं, प्रख्यात इंटेलेक्चुअल हैं, बहुजन आंदोलन से जुड़े रहते हैं और खासकर पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, तो तमाम सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। तो नई शिक्षा की नीति को लेकर जो कहा जा रहा है कि शिक्षा अब तिजोरी में बंद हो जाएगी, क्या ये दावा सही है सर? ये दावा नहीं, अब तो हकीकत बन चुका है। और नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस समय इस देश में लागू हो चुकी है, और लागू करने के लिए समय वो चुना गया जब इस देश और दुनिया में सब कुछ बंद था, लेकिन संसद को बाईपास करके पहले कैबिनेट से पास कराया गया, और जब स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बंद थे तो उनके लिए नीतियाँ तमाम तरह के जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका पालन करने के बिना पास करा दी गई और थोप दी गई। और इसके चलते हुआ ये है कि जिस बात का खतरा इस देश में 90 के बाद से महसूस किया जा रहा था कि अब आइडिया ऑफ नेशन या आइडिया ऑफ इंडिया में एक बात इंक्लूड थी कि जिस देश में इतनी गरीबी, बेकारी, बीमारी और इतनी विषमता है, गैर बराबरी है, उसमें एक मुकम्मल मुल्क तभी बनेगा जब राज्य कुछ बड़ी जिम्मेदारियां अपने पास रखेगा। ये आइडिया ऑफ इंडिया में इंक्लूड था और नए भारत को बनाने में ये शर्त थी, यानी रोटी कपड़ा मकान के साथ शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार ये राज्य की जिम्मेदारी हो। किसी की जेब में पैसा नहीं है तो वो खांसी और सर्दी जुकाम से मर जाए, ये राष्ट्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह होता है। किसी की भूख लगी है, पेट में रोटी नहीं है, अगर वो भूख से मर जाए तो उस पूरी राष्ट्र के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है। किसी के सर पर छत नहीं है तो वो राष्ट्र प्रश्नांकित होता है। वैसे ही किसी को रोजगार नहीं मिला, वो बेकाम बैठा है, तो राष्ट्र की विफलता है। वैसे ही अगर किसी को शिक्षा नहीं मिलेगी, उसकी जेब में कितना पैसा इससे तय होने लगेगा कि आपके बेटे को तालीम मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपके बेटे को अच्छा विश्वविद्यालय मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस राष्ट्र की पूरी संकल्पना पर एक सवाल खड़ा होता है। नई शिक्षा नीति के पहले वो सवाल खड़े थे। ऐसा नहीं मैं कह रहा है कि इस नई शिक्षा नीति 2020 के पहले सब कुछ बहुत स्वर्ण युग था। इस देश की वंचित शोषित कमेरों के लिए, 90% आवाम के लिए कभी स्वर्ण युग नहीं रहा, वो तो हमेशा हाशिए पर रहे। उनके हाथों ने इस देश की इमारतों को बनाया, सड़कें बनाई, महल बनाए, लेकिन कभी उनमें से उनके हक में कोई फैसला नहीं हुआ, उनको बुनियादी ज़रूरतें जो ज़िंदगी की होती हैं वो नहीं मिले। अब कम से कम आज़ादी के 70 साल बाद उनके बनाए संसद भवन में बैठकर उनके चुने हुए प्रतिनिधि उन्हें के खिलाफ नीतियां बना रहे हैं, मगर उनको सबक सिखाने का काम 70 साल बाद किसान आंदोलन ने किया, जो आपके सवाल में दर्ज था। किसानों ने इस देश को समझाया कि जैसे किसानों के तीनों बिल में कहीं नहीं लिखा था कि अब सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, अब जो है खेत बिक जाएंगे, अब फसलों पर MSP नहीं मिलेगी, डायरेक्ट कहीं नहीं लिखा था ना, लेकिन किसान ये समझ गए। वो जो सबका पेट भरते हैं, जिनके जो हमारे पुरखे थे, वो समझ गए कि ये जो तीनों कानून हैं ये अंततः वहाँ हमें ले जाएंगे, खेती बिक जाएगी, खेती व्यापार बन जाएगी और किसानी उद्योगपतियों की गुलामी का एक जरिया बन जाएगा, और वहाँ से वो मुनाफा कमाना शुरू करेंगे। वो लड़ गए, वो देश की राजधानी को घेर कर बैठ गए, उन्हें बदनाम किया, उन्हें तोड़ा, उनके रास्ते में कीलें लगाई, उनको हर तरह से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, सब कुछ किया, जेल में बंद किया, मुकदमे ला दे, मगर वो जीत कर वापस लौटे।
वो आने वाली पीढ़ियों के लिए खेती किसानी फसलों और नस्लों की लड़ाई जीत कर वापस लौटे। वैसे ही एक और उदाहरण दे रहा हूँ, इस देश में सरकारी अस्पतालों को बर्बाद करने के लिए का कभी कोई फरमान आया क्या कि आज से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और दवाई नहीं मिलेगी, आज उनका बजट कम किया जा रहा है? कभी घोषणा करके सरकारी अस्पतालों को बर्बाद नहीं किया गया। वैसे ही नई शिक्षा नीति में अगर आप ये कह रहे हैं कि कहाँ लिखा है बताइए सरकारी शिक्षा बर्बाद हो जाएगी, तो वो लिखा थोड़े ही जाएगा। शिक्षा बिक जाएगी, अंबानी अडानी के हाथों का एक व्यापार बन जाएगी, मुनाफा कमाने का एक जरिया बन जाएगी, और इस देश के वंचित शोषित लोगों की जेब में अगर पैसा नहीं है तो वो अपने बच्चों को स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों में एडमिशन तक नहीं करा पाएंगे। NTA हो गया है, उदाहरण देता हूँ, UPSC के जरिए आपको अगर IAS PCS बनना है, IAS IPS बनना है, तो लाखों रुपये की फ़ीस दे करके आप कोचिंग करते हैं, लाखों रुपए फीस देकर के IIT में एडमिशन हो रहा है, मेडिकल में एडमिशन हो रहा है, यानी मिनिमम एलिजिबिलिटी वाली डिग्री पूरी करने के बाद भी लाखों लाख रुपए अगर फीस देने में जो माता पिता काबिल नहीं है, जो कोटा इलाहाबाद कानपुर दिल्ली भेजने में काबिल नहीं है, उनके बच्चों के डॉक्टर और इंजीनियर और ब्यूरोक्रेट बनने का, IAS PCS बनने का मौका 90% तो ख़त्म हो गया। 10% अपवाद हैं, कभी रहा होगा अपवाद एक समय कि डॉक्टर कलाम स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ करके पढ़ सकते थे, ये सब झूठ बन गया है आजकल। अब वही पढ़ के आगे बढ़ जाएगा जिसको अच्छी तालीम मिलेगी, कंपटीशन इतना टफ हो गया। वैसे ही NTA ला दिया गया, BA और MA में एडमिशन के लिए आप टेस्ट लेंगे, कॉमन टेस्ट लेंगे, और कॉमन टेस्ट से जो व्यापार, इसके पॉजिटिव निगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं, लेकिन इससे सबसे खतरनाक क्या होगा, फिर से कोचिंग का एक व्यापार खड़ा हो जाएगा NTA के जरिए, NEET और JEE के लिए होता है, UPSC के लिए होता है। दूसरा ये सवाल मेरा इस पूरे सिस्टम के ऊपर, ग्रेडेड ऑटोनॉमी, वित्तीय अनुदान जो दिया जा रहा है उसमें हेफा के जरिए लोन दिया जाएगा, सरकारी संस्थानों को कहा जाएगा कि आप लोन लीजिए, 5 साल 10 साल में भर दीजिएगा, तो विश्वविद्यालय के पास पैसा आने का स्रोत क्या है, विद्यार्थी की फीस, तो चुप, या दो ही काम होंगे, संस्थान अपना खर्चा घटाएगा और आमदनी बढ़ाएगा, आमदनी बढ़ाने का जरिया है फीस, तो विद्यार्थियों की फीस कई गुना हो जाएगी, खर्चा घटाने का जरिया क्या है, इस क्लासरूम नहीं बनेंगे, सुविधाएं नहीं होंगी और शिक्षकों की कटौती होगी। और इस नई शिक्षा नीति में 40% ऑनलाइन टीचिंग इसीलिए लाई गई है। अब ऑनलाइन टीचिंग का उदाहरण सुनिए, मेरे अपने क्लास में विद्यार्थी बैठ करके जब मैं अटेंडेंस लेता हूँ, एक तो डिबेट डायलॉग डिस्कशन का नाम था उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय शब्द से बना है ये पूरा कॉन्सेप्ट, विश्व के विद्यालय वैश्विक ज्ञान के केंद्र हैं, यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी बना है, डिबेट डायलॉग डिस्कशन उस विश्वविद्यालय का जरिया होता है, एक राष्ट्र एक देश एक समाज कैसा है, कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, इसके बहसें जिस पीढ़ियों के जरिए होती हैं वो है विश्वविद्यालय। और देश अगर बर्बाद करना है तो विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर दो, ये काम इस समय इस देश में हो रहा है। पहले विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया गया, अब नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई, दीमक बाहर से नहीं खोखला करता है, अंदर से खोखला करता है। जिनको विश्वविद्यालयों में तालीम नहीं मिली, जो तालीम से डरते हैं, जो जानते हैं कि विपक्ष के राजनीतिक दल जब सोच रहे थे विश्वविद्यालयों से प्रतिरोध खड़े हो रहे थे, हमारे हैनी बाबू को जेल में डाला। सारी पॉजिटिव चीज़ें भी तो हैं सर, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा क्लास 6 से ही बच्चों को, हाँ। क्या गलत है इसमें? नहीं, वही मैं कह रहा था ना कि विश्वविद्यालय बर्बाद करके क्या किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट। तो मोदी जी का भाषण सुनिए, मैं तो कह रहा हूँ भाषण लोग सुनते होंगे, पता नहीं कैसे सुनते होंगे लेकिन सुनते होंगे। मोदी जी अपने भाषण में कह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति स्किल डेवलपमेंट के नाम पर कौन से पेशे को जुना रहे, पंचर जोड़ना, बढ़ई काम करना, कुम्हार का काम करना, प्लम्बर का काम करना, अरे ये काम करने वाले इस देश के कमेरा जाति के लोग सदियों से स्किल डेवलप किए हुए हैं, उनके हाथों ने स्किल डेवलप करके धोबी कुमार लुहार बढ़ई नाई मोची मल्ला कसाई अहिर कुर्मी कोयरी, ये जातियां ही अपने हाथों से इस देश दुनिया को रहने लायक बनाई हैं। इन लोगों को पहले से स्किल है, तुमने तो इन लोगों को विश्वविद्यालय में दाखिला न हो, इन लोगों के विश्वविद्यालय में छात्र प्रोफेसर नहीं बने, इसलिए जो शोध जहां था, जिस ब्रेन में शोध था, उसको तुमने विश्वविद्यालय से बाहर करके विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर दिया। 300 में से कोई टॉप 300 विश्वविद्यालय में से देश का कोई विश्वविद्यालय नहीं, और यहां जो है ना मनुस्मृति का अड्डा बना दिया, रिश्तेदार भरे पड़े हैं, एक ही जाति के लोग 72 साल के विश्वविद्यालय में 72 विभागाध्यक्ष बन रहे हैं, तो 72 में 70 एक ही जाति के लोग बन रहे हैं, कौन जाति है भाई,
कौन जाति है जो 2014 के पहले जब भारत गुलाम था तो अपनी जात छिपाई हुई थी और 2014 के बाद कहती है मैं तिवारी हूँ, मैं NFS कर दूँ, यू NMS डिविजन। इसलिए विश्वविद्यालयों को ही नहीं बर्बाद किया, पूरे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बर्बाद किया। मैं वंचित शोषित जमात के लोगों को, इस देश की जागरूक आवाम को आपके सामने एक सवाल पूछ रहा हूँ। उमर खालिद जेल में है, प्रोफेसर हनी बाबू जेल में है, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े जेल में है, क्यों जेल में? आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को निलंबित किया जा रहा है क्योंकि वो हक हकूक के लिए बोल रहा है। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को सो कॉज नोटिस दी जा रही है कि आप बताइए कि हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जातिवाद कहाँ है। अरे तुम्हारा काम है, तुम बताओ, तुम अपने पूरे विश्वविद्यालय की डेट शीट जारी करो, तुमने अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इंटरव्यू में कितने कितने नंबर दिए, हर जात के लोगों को दिए, तुम्हारा काम है। उल्टा जोर कुतवाल को डांटे, और ये उस प्रोफेसर से पूछ रहे हो जो आरोप लगा रहा है, कल को तुम मुझसे पूछे करे, मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारे पास आरोप लगा रहा हूँ, तुम्हें सबूत दो कि नहीं मेरा आरोप गलत है, मेरा आरोप गलत साबित करो तब मुझे जेल में डालो। UAP लगा रहे हैं छात्रों, विश्वविद्यालयों में जामिया में लाइब्रेरी तोड़ रहे थे, छात्रों को पढ़ने वाले छात्रों को मार रहे थे, आँखें फूट गई, हाथ टूट गए, नई शिक्षा नीति, दिमाग को ये जहन है ना, ये अब तक पेट पर हमला किया था 90% कमेरा जात के लोगों के ऊपर, नई शिक्षा नीति ने पेट ही नहीं दिमाग पर हमला कर दिया है, और आने वाली पीढ़ियां आपकी गूंगी बहरी वैचारिक रूप से होंगी, शारीरिक रूप से नहीं, वो वैचारिक रूप से होंगी, क्योंकि उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आप मंदिर बनाने में खोए रह गए और आपके बच्चों को मंदिर बनवाने के नाम पर दंगा करवाया उसने, हरिद्वार में धर्म संसद कराई और कहा कि हिंदुओं जागरूक हो जाओ, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किसी को काटना पड़े तो काटो, और विज्ञान में तमाम झूठ बोला, और आपको बाद में पता चलेगा कि जो बात किसान पहले समझ गए थे वो आप क्यों नहीं समझ पाए, आप नई शिक्षा नीति का विरोध क्यों नहीं कर पाए। स्कूलों की मर्जिंग होगी, मेटा स्कूल बनाए जाएंगे, अरे स्कूल में मिड डे मील में अभी तो ये देश जूझ रहा है कि दलित माँ का अगर हाथ से रोटी बन गई तो उसको खा नहीं रहा है कोई बच्चा, जातिवाद तो इतना नस नस तक भरा है। वहाँ स्कूलों की मर्जिंग होगी, स्कूल कम किए जाएंगे, 45,000 डिग्री कॉलेज जो हैं, 40-45,000 डिग्री कॉलेज, वो अगले 15 साल में घट करके 15,000 बनाए जाएंगे। अरे तुमको नए विश्वविद्यालय नए स्कूल बनाने थे, सरकारी विश्वविद्यालय सरकारी स्कूल बनाने थे, जिसमें किसी की जेब में पैसा हो कि ना हो फिर भी राष्ट्र उसको अच्छी शिक्षा दे, अच्छा रोजगार के लिए तैयार करे, वहाँ तुमने ये मंदिर के लिए लड़ रहे हो, विश्वविद्यालय और स्कूल बर्बाद कर रहे हो, मंदिर के लिए लड़ रहे हो, ये इस देश के लिए खतरा है। इसलिए नई शिक्षा नीति सबसे पहला हमला जो करेगी इस देश के वंचित सोचे। सवाल आप लोगों पे है कि ये जो JNU और DU के एंटी नेशनल फोर्सेस थे और जो मोदी विरोध होते थे, यही सारे लोग NEP पे हंगामा कर रहे हैं। देखिए ऐसे तो ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन्होंने गांधी की हत्या की, जो अंबेडकर के खिलाफ थे, जो फूले के खिलाफ थे, जो भगत सिंह के खिलाफ थे, जो जंगे आज़ादी के खिलाफ थे, जो संविधान के खिलाफ हैं, वही सारे लोग NEP ला रहे हैं। मैं भी तो यही भाषा बोल सकता हूँ, जो गोडसे गोलवलकर हेडगवार का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, वो संविधान वाला भारत नहीं बनाना चाहते, ये वही लोग हैं जो NEP भी ला रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, उन्होंने एक एक करके सारी चीज़ देश की बेच दी है और उसके बाद जाके कॉरिडोर बनवा रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर बैठ करके एक धर्म के पुजारी की तरह वेशभूषा पहन करके बैठा हुआ है। ये वही लोग हैं, मैं भी तो ये कह सकता हूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने जामिया बर्बाद किया, JNU बर्बाद किया, ये वही लोग हैं जिनकी डिग्री फेक है, ये वही लोग हैं जो स्कूल कॉलेज को बर्बाद कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो शिक्षा का बजट कम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो अर्थव्यवस्था चौपट कर रहे हैं, ये सारे वही लोग हैं और संविधान विरोधी लोग हैं। संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं, उसके पर कोई कदम नहीं उठाओगे, लोगों को काटने की बात होगी उस पर कोई कदम नहीं उठाओगे, और जो शिक्षा की बात करेगा, हम शिक्षा के लिए कह रहे हैं ना, अरे हम कह रहे हैं कि अगर एक स्कूल और डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय इस देश में हर जिले में एक JNU और DU होना चाहिए, हम तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और तुम जो DU और JNU बचा है उसको बर्बाद कर रहे हो। हमारे DU में 5,000 शिक्षक हम लोग एडहॉक प्रोफेसर हैं, परमानेंट प्रोफेसर तो बना नहीं रहे। में DU और JNU होता कि एंटी नक्सल तैयार हो सके। मैं कह रहा हूँ वो नेशन की परिभाषा ही गलत है जो इस तरह के देशद्रोही मुकदमे चल रहे। तमाम लोग आए ना, पत्रकारों को जेल में डाले थे, जिनको जेल में डाले वो कल के इनके नेता बन गए थे इमरजेंसी के समय, जो लोग अंग्रेज जिसको कहते थे जेल में डाले वो बाद में कल चल के नेता बने, जो लाठियां खा रहे थे भारत की आज़ादी के बाद डॉक्टर लोहिया यहाँ की सड़कों पर, डॉक्टर लोहिया इस देश के आम आवाम के सपनों के समाजवाद के नेता हैं, जिस समाजवाद शब्द से इनको दिक्कत है, अरे इनको दिक्कत केवल DU JNU से नहीं है, इनको दिक्कत सच बोलने वाले से, इनके दिक्कत पढ़ाई लड़ाई करने वालों से, इनकी दिक्कत शिक्षक रहो संगठित रहो और संघर्ष करो कि समझ वालों से, बिरसा फुले अम्बेडकर, पेरियार, अब्दुल कयूम अंसारी, लोहिया अम्बेडकर की विरासत वाले लोगों से,
ये फर्जी का देशभक्ति का सर्टिफिकेट वो लोग बांट रहे हैं जिनकी खुद की देशभक्ति संदिग्ध है। मैं इस पर कोई मैं इनको तवज्जो ही नहीं देता। ये गोडसे बनाम गांधी अम्बेडकर, ये जो अम्बेडकर होते ना, आज पेरियार का स्मृति दिवस है, आज पेरियार होते ना तो नई शिक्षा नीति को बर्बाद करने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन से बड़ा आंदोलन खड़ा करती। आज फूले होते ना तो हंटर कमीशन में जैसे दहाड़े थे वैसे आज संसद की गलियारों में खड़े होकर सामने चुनौती देते हुए खड़े होकर कहते कि इस देश में नई शिक्षा नीति नहीं चलेगी। आज अम्बेडकर और लोहिया होते ना तो इस देश में आने वाली पीढ़ियों के हाथ से शिक्षा की बर्बादी का दस्तावेज देख करके कहते कि ये देश अब तक खामोश क्यों है, इस देश में अब तक सड़कों सड़कों पर गाँव गाँव में क्यों ऐसी आवाज़ें नहीं उठ गईं जो आवारा हो चुकी संसद को रोकें। हम उस भारत के लिए लड़ रहे हैं जो संविधान का भारत है, जो मंडल कमीशन का भारत है। शुक्रिया।